पढ़ाई जितना सोचा था उतना अच्छे से नहीं हुआ या प्लानिंग फॉलो नहीं हो पाई सो एट दी एंड क्या करता है एग्जाम के एक महीने पहले सिंगल ग्रुप पे शिफ्ट हो जाते हैं सो फॉर देट ऑलवेज एडवाइस यू कि आप एक ग्रुप से स्टार्ट करो बिकॉज लेट से कि अगर आप एग्जाम uh, के चार महीने पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो एंड आप दो महीने बाद भी अगर डिसाइड करते हो कि आपको सिंगल ग्रुप पे ही रहना है बिकॉज आपने जिस ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी hmm. उस ग्रुप पे भी आप प्रॉपरली अभी तक तो प्रिपेयर नहीं कर पाया तो उस केस में आपका लॉस कुछ भी नहीं होगा

जैसे आप दो सब्जेक्ट लेट्स इफ यू आर प्लानिंग एक दिन में आप दो सब्जेक्ट पढ़ते हो तो एक सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग वाला होना चाहिए एक सब्जेक्ट आपका वीक वाला होना चाहिए टू कम्पनसेट इट ठीक है दोनों डिफिकल्ट सब्जेक्ट एक साथ लेके मत बैठ जाना दोनों इजी सब्जेक्ट एक साथ लेके मत बैठ जाना एंड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू मेक योर स्कोर कार्ड अब आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है ये आपका पहले से डिसाइड होना चाहिए एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्ट कैल्कुलशन आर डिफिकल्ट बट अप्रॉक्सिमेटली आपको कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसमें एटलीस्ट आपको फोर्टी फाइव आने चाहिए जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें एटलीस्ट सिक्स या सेवेंटी आने चाहिए यू शुड है स्कोर कार्ड विथ य प्लानिंग है बिकॉज जितनी जितना आप अपना एस्पिरेशन रखोगे आप अगर सिक्सटी फाइव का प्लानिंग इस सब्जेक्ट में रख रहे हो तो आप अपनी तरफ से उतना ही इनपुट उसमें दो और यदि फोर्टी फाइव का अगर प्लानिंग रखी हो तो आप उतना ही इनपुट दो जब तक आपने प्लानिंग करके नहीं रखी है प्लानिंग इज द की आपने तो शेड्यूल नहीं किया एंड प्लानिंग नहीं किया तो इट इज एक्चुअली डिरेक्शन लेस प्रिपरेशन ठीक है नेक्स्ट थिंग इज आपको सारे सब्जेक्ट्स को मिक्स करके नहीं पढ़ना है लेट्स से जैसे आर टॉकिंग फ्यू मिनट्स बैक की आठ सब्जेक्ट है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या किया कि ग्रुप वन में से एफ उठा लिया ग्रुप टू में से आई उठा लिया और या फिर रैंडमली आईम स्टडिंग डी टी अलोंग विद ऑडिट ऐसा कुछ कुछ आई एम डूइंग मतलब आई अप बोथ द सब्जेक्ट्स तो उसमें क्या होता है कि आप कौन से ग्रुप पे ज्यादा फोकस कर रहे हो ये यू डोंट नो बिकॉज आप सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ रहे हो सेकेंडली आप दोनों ग्रुप एक साथ अपियर कर रहे हो मीन्स आठ सब्जेक्ट आप अपियर तो कर रहे हो बट यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि आपको ग्रुप वन अलग क्लियर करना है ग्रुप टू अलग क्लियर करना है ग्रुप वन में यू हैव टू स्कोर 200 सेपरेटली इन टू हंड्रेड से यू सेपरेटली

What What यहाँ स्कोर किया है थर्टी 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 एंड पेपर एट में एग्जाम लिया है सिक्सटी मार्क्स से इस केस में क्या हुआ ये पूरे टोटल तो सिर्फ पेपर एट क्लियर किया पेपर जिसमें आपको है सिक्सटी मार्क्स है एंड लेट से फॉर एग्जाम्पल अब ग्रुप वन क्लियर क्यों नहीं हुआ बिकॉज पेपर में स्कोर थर्टी बाकी तीनों में तो 50, 50 थे किसी में भी नहीं था पेपर फोर में तो ओवरऑल रिजल्ट वॉज फेल अब पेपर फोर में आपको जो थर्टी आए इसकी जगह सिक्सटी आए होते पेपर फोर में पेपर एट में थर्टी आए हुए थे तो इन थर्टी आए होते हैं तो इन दैट केस यू कुड हैव क्लियर एंटायर ग्रुप वन मतलब आपने पेपर एट पे ज्यादा फोकस ना करते हुए पेपर फोर पे फोकस किया होता उसमें अगर आ गए होते तो यू कुड क्लियर फोर सब्जेक्ट वहीं आपने सिक्सटी वहां स्कोर किया तो आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को क्लियर किया कैन यू सी दैट तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग बेसिकली अगर आप प्रॉपरली प्लान करके नहीं चलोगे तो एक शॉट में आप क्लियर करना आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट माइंड सेट इज इम्पोर्टेंट आपको कौन सा सब्जेक्ट में कितना स्कोर करना है कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रोंग है कौन सा वीक है ये चीजें प्रिपरेशन से ये प्री प्रिपरेशन चीज है अब जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो ना प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ये सब चीजें आपकी जो है हो जानी चाहिए देन कमिंग टू द नेक्स्ट वाइड टेस्ट सीरीज इज इम्पोर्टेंट ठीक है अब ये जो है बहुत ज्यादा फोकस वाला पॉइंट है टेस्ट सीरीज लोगों को लगता है ऐसे ही मतलब ठीक है ना राइटिंग प्रैक्टिस तो हम बचपन से तो एग्जाम लिखते ही आ रहे हैं हम बचपन से तो टेस्ट लिखते ही आ रहे हैं क्या जरूरत है इतना टेस्ट सीरीज देने की तो लेट मी टेल यू आप अपने घर से निकले हो ठीक है आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है ठीक है बट द थिंग इज यू डो नो द डायरेक्शन रास्ता का आपको नहीं पता है यू हैव जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग जहाँ रास्ता दिख रहा है आपने चलना शुरू कर दिया है यू डोट नो हाउ फार यूर डेस्टिनेशन इज एंड आपने जब से चलना शुरू किया यू डों हाउ फार एव यू कम ठीक है तो मैग्जिम लोग जो फेल होते हैं ना सीएम दिस इज द ओनली रीजन क्या आपको पता ही नहीं होता की वेर एग्जैक्टली यू आर स्टैंडिंग वॉट थिंग्स आपके प्रिपरेशन में लैकिंग हमको ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ठीक है आप पढ़ रहे हो दैट इज करेक्ट बट क्या आप सही तरीके से पढ़ रहे हो क्या आप जो पढ़ रहे हो वो सही है दिस इज वॉट इज मोर इम्पोर्टेंट तो टेस्ट सीरीज इज बेसिकली लाइक अ गूगल मैप आप लोग कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं जब यू डोंट नो द वे तो आप लोग गूगल मैप यूज करते हैं टेल्स कि आपका डेस्टिनेशन जो है कितना किलोमीटर दूर है हाउ फार इट इज ट्रैफिक है या नहीं है हाउ मच टाइम विल इट टेक एग्जैक्टली सेम काम जो है ना आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में आपके टेस्ट सीरीज करता है एग्जैक्टली सेम ठीक है

आपने सुना होगा कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल होते हैं ना उनके पास एक मेंटर हमेशा होता है एवरी वन अ अंटर बिल गेट्स का मेंटर कौन है यू नो? बफेट सचिन तेंदुलकर मिस्टर रमाकांत आचेकर वॉज इज गाइड मेंटर बोलो गाइड बोलो कोच बोलो एनीथिंग देर इज समन बिहाइंड यू जो आपको डायरेक्शन दिखाता है हु लेट्स यू रीच ओवर देर ठीक है तो फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज में वी नॉट ओनली प्रोवाइड टेस्ट सीरीज बट वी मेंटर यू ठीक है अपनी स्टडी प्लान किस हिसाब से बनाना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट आपके सर्कमस्टांस के हिसाब से लाइक आई यू अपेयरिंग फॉर सिंगल ग्रुप या आर यू अपेयरिंग फॉर बोथ ग्रुप या फिर आपका कोई पेपर एग्जाम है तो like यूर है फिर आप जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हो या आपके पास ड्यू टू समर रीजन आपके पास पढ़ने का टाइम कम है और समथिंग लाइक दैट तो डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस आई कैन जस्ट हेल्प यू विद कि आपको किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट कोप अप करना है कौन सा सब्जेक्ट का किस किस अप्रोच से आपको पढ़ाई करनी है एंड आई कैन हेल्प यू टू मेक अ प्लान जैसे मेनी पीपल हैव जस्ट स्टार्टेड ऑलरेडी है चुके हैं लोग सम ऑफ यू माइट स्टार्ट राइट ना होगस्ट से बिकॉज थ्री मंथ्स बचे अगस्त एंड अक्टोबर ठीक है तो थ्री मंथ्स में आपका एक्जैक्ट प्लान क्या होना चाहिए मेनी पीपल वुड कम इन दंथ सेबर अक्टोबर मतलब दो महीने के हिसाब से वॉट शुड बी योर प्लान आई हेल्प टू डिसाइड ए कस्टमाइज्ड टेस्ट शेड्यूल फॉर यू बिकॉज टेस्ट पैटर्न जो है हमारा बेसिकली फर्स्ट ओपिनिंग है दैट इज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन थ्री प्लस टू का पैटर्न होता है बेसिकली थ्री प्लस टू मीनिंग सारे सब्जेक्ट्स को हमने जो है थ्री यूनिट्स में डिवाइड करके रखा मींस वन थर्ड सिलेबस इन ईच यूनिट सिलेबस जो है मैंने स्पेसिफिकली बहुत ही आर्टिकुलेट करके सारा सिलेबस तीन यूनिट्स में डिवाइड किया है मतलब ऑलमोस्ट थर्टी थ्री परसेंट सिलेबस इन ईच यूनिट तो यूनिट वाइज टेस्ट भी होती है एंड फुल टेस्ट भी होती है थ्री प्लस टू मतलब हर सब्जेक्ट की तीन यूनिट टेस्ट एंड देन टू फुल टेस्ट थ्री यूनिट टेस्ट एंड टू फुल टेस्ट दैट इज वाई द नेम थ्री प्लस टू तो so, ये जो यूनिट टेस्ट होती है दैट इज ऑफ़ फिफ्टी मार्क्स इच फाइव जीरो आईसीआर पैटर्न के हिसाब से हंड्रेड मार्क्स की होती है तो दिस इज अ बेसिक पैटर्न जिसमें हर सब्जेक्ट की तीन यूनिट और दो फुल टेस्ट होती है सेकेंड पैटर्न इज थ्री प्लस वन जिसमें कि हर सब्जेक्ट की तीन यूनिट टेस्ट एंड वन फुल टेस्ट होती है एंड अगेन द नेक्स्ट पार्ट इज ओनली यूनिट टेस्ट कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ ओनली यूनिट टेस्ट की जरूरत होती है तो दे कैन ओनली फॉर यूनिट टेस्ट या फिर कुछ स्टूडेंट्स ओनली फुल टेस्ट ऑप करना चाहते हैं तो यू कैन फॉर ओनली फुल टेस्ट एज वेल ठीक है तो होता क्या है कि लेट्स से इफ यू ऑप फॉर थ्री प्लस टू है लेट्स आपका सिंगल ग्रुप है ठीक है तो टोटल फाइव सब्जेक्ट्स पर टेस्ट एंड आपका चार सब्जेक्ट्स है तो टोटल ट्वेंटी टेस्ट हो जाती है तो हाउ शुड यू मैनेज दिस टेस्ट हाउ आर यू गोइंग टू अपियर दिस पेपर कब कब कैसे अपियर करना चाहिए बना हुआ रहता है स्टूडेंट्स का की जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करना तो दिस इज हंड्रेड परसेंट रॉन्ग वनरली पढ़ाई के साथ साथ ही टेस्ट देनी है वाई बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ ही चेक करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप सही पढ़ रहे हो या नहीं लेट से आपने सारा का सारा सिलेबस दो महीने में पढ़ा दो महीने बाद यू टेस्ट 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 आपने लिखी टेस्ट लिखने के बाद समझा कि अरे यार मैंने पढ़ा तो था लेकिन अभी मेरी प्रिपरेशन टेस्ट के मार्क्स तो अच्छे आए नहीं है मतलब मेरी प्रिपरेशन अच्छी हुई नहीं है वन आई वॉज राइटिंग द टेस्ट आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉल द प्रोविजन आई वॉज नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन दो महीने आपने बहुत अच्छे से पूरी पढ़ाई की और आपको ऐसा लगा कि आपने बहुत पढ़ाई की

इसीलिए हम लोग लेकर आए हैं बिकॉज आप पढ़ाई के साथ साथ अपने आप को टेस्ट कर पाओ लेट से एफ आर आप एक सब्जेक्ट को टारगेट कर रहे हो फॉर टेस्ट तो आपने एफ आर का यूनिट वन उठाया यूनिट में से अराउंड फोर टू फाइव चैप्टर्स होंगे डिपेंडिंग ऑन योर नंबर ऑफ सब्जेक्ट अभी तक कितनी पढ़ाई हुई है आपकी स्पीड कैसी है कितना टाइम बचा है आई गिव यू टारगेट लेट से कि फोर डेज का मैंने आपको टारगेट दिया तो उन फोर डेज में आपको यूनिट वन एफ आर अच्छे से पढ़ना है एंड देन इमीडिएटली आपको टेस्ट अपियर करना है

जब आपको लास्ट फोर डेज का आपका एनालिसिस समझ में आ जाता है कि लास्ट चार दिन में मैंने पढ़ा था उसमें मुझे कुछ याद नहीं आया ऑटोमेटिकली नेक्स्ट फोर डेज मतलब कि जब नेक्स्ट यूनिट के लिए प्रिपेयर करोगे यूल प्रिपेयर इट बेटर देन यू प्रिपेयर इन दूनिट नॉट ठीक है तो दिस इज हाउ यूनिट टेस्ट हेल्प यू इट लेट्स यू नो की वेरी यूर स्टैंडिंग इट कीप्स अ चेक अवेयर होकर लिटिल बिट रिलैक्सड रहो की हाँ आज पेपर नहीं है तीन, तीन महीने बाद पेपर जब पेपर मेरा कल है टेस्ट कल है तो यून प्रिपेयर अकॉर्डिंगली स्ट्रीजेंट होकर और ज्यादा स्ट्रिक्टली अच्छे से प्रिपेयर करें तो कंसेप्ट ऑफ यूनिट टेस्ट गेम एंड ट्रस्ट मी अगर आप यूनिट टेस्ट और फुल टेस्ट सारा की सारा लिखते हो यू हैव इंप्रूवमेंट टू से आपके मार्क्स पक्का पक्का एग्जाम में बढ़ेंगे इफ यू रियली फॉलो इट रिलीजियसली अगर आप सारी टेस्ट अपियर करते हो तो टेस्ट जब चेक होके आती है तो उसमें कमेंट्स मैं लाइक वेर आर गोइंग रॉन्ग वेर डू यू टू इम्प्रूव आपके रिपिटेटिव मिस्टेक्स क्या हो रही है वो सब चीजें टेस्ट में जो है मैंशन होके आती है तो दैट हेल्प्स यू उट हैीशेड्यूलो बनायो टाइम टेबल जम नहीं रहा यू वॉन्ट समलवेज कम टू माई फॉर देट सो दैट इज अंसेप्ट ऑफ फर्स्ट ओपिनियन सिर्फ टेस्ट सीरीज हमारा कंसेप्ट नहीं है वी बेसिकली फोकस ऑन में एग्जाम के लिए नॉट ओनली फॉर दीरीज हमारा पर्पज ये नहीं है कि हम सिर्फ टेस्ट सीरीज के लिए प्रिपेयर करें पर्पज ये है कि हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें see, हमारी चेकिंग जो है ना इंस्टीट्यूट से ज्यादा टफ होती है फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज की चेकिंग हमेशा इंस्टीट्यूट से ज्यादा टफ होती है रीजन बींग आपको टेस्ट सीरीज में पास कराना इज नॉट आर पर्पज आपने हंड्रेड मार्क्स अगर पेपर लिखा यूज सेवेंटी मार्क्स और एटी मार्क्स इन दस इन दैट तो उससे आपको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा है अगर आप हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड भी स्कोर कर लो आप फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज में उससे आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है ठीक है एंड से अगर आपने बहुत ही कम मार्क्स स्कोर किए तो उसके लिए भी आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है। ये कि आप फाइनल एग्जाम में अच्छे स्कोर करो तो लेट्स से अगर आप फाइनल एग्जाम में 60 के लिए एलिजिबल होते हो तो आपको इस टेस्ट में 40, 40, 50 के आसपास 50 की रेंजेस में ही आप स्कोर कर सकते हो थोड़ा हम स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं सो देट यू कैन बी मोटिवेटेड फॉर फाइनल एग्जाम्स एंड यू नेवर नो कि इंस्टीट्यूट में किस किस लेवल के टफ चेकिंग कब हो जाए तो यू कांट एक्सपेक्ट कि आप टेस्ट मतलब, सीरीज का जो बेसिक पर्पज होता है वो मार्क्स स्कोर करनाज ये है कि आप एग्जाम के लिए यू शुड बी प्रैक्टिस को रिपीट न करो इफ आई टेल यू इन अदर वर्ड्स बेसिकली ट्रेलर

एंड दैट इज इम्पोर्टेंट सी एग्जाम बिकॉज आपका जो सिलेबस है दैट इज जस्ट लाइक एन ऑशन इतने बड़े सिलेबस के लिए यू नीड टू की चेक आप जो पढ़ रहे हो इज इट अपूट लेवल सेल्फ की हाँ मैंने पढ़ लिया है खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए ही अगर पढ़ना है तो फिर एग्जाम क्यों देना आपको पढ़ना है इंस्टीट्यूट के सेटिसफेक्शन के लिए इंस्टीट्यूट का लेवल मीट अप करने के लिए सो बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट लेवल नॉट अकॉर्डिंग टू यूर लेवल नेक्स्ट

मेक uh, sure आपको बुक में देखने की जरूरत ना पड़े अगर आपने बुक में बिना अपना पूरा बना लिया, चार्ट सिर्फ ऐसे को पढ़ने के लिए भी हेल्पफुल नहीं है और भी उसका एक पर्पज है कि एग्जाम में जो वन एंड हाफ डे की गैप होती है उसमें पूरा तो एग्जाम की जो वन एंड हाफ डे की गैप होती है उसमें इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज एंटायर टेक्स्ट तो आपको एस एस पढ़ना है और अपने एस एस के फ्लो चार्ट बनाना और एग्जाम के एक दिन वाली गैप में आपको सिर्फ वो फ्लो चार्ट से ही रिविजन करना सेकेंड थिंग मेक अ सेपरेट नोट द डेफिनेशन क्या होता है जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो ऑडिट का इट से इट्स कॉस्ट ऑडिट या फिर कॉस्ट ऑडिट है या फिर इंटरनल ऑडिट है या फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी है या एनीथिंग जिसमें डेफिनेशन आते ऑडिट हैंजी की डेफिनेशन इंटरनल ऑडिट की मैनेजमेंट ऑडिट की ऑपरेशन ऑडिट की या कॉस्ट ऑडिट की एनीथिंग जिसकी जो भी डेफिनेशन आती है पढ़ते पढ़ते यू टेक अ सेपरेट नोट विद पे एक अलग से पेज रखो और उसमें जितनी डेफिनेशन आ रही है सारी की सारी डेफिनेशन नोट करते जाओ वाइल स्टडी एंड मेक श्योर की सारी डेफिनेशन आपको बाय हार्ट लर्न हो ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैम इम्पॉर्टेंट इसलिए है डेफिनेशन अलग से एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाती बट जब आपको उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है लेट्स ऑडिट स्ट्रैटेजी या रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आता है एंड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वेन यू कोट द डेफिनेशन तो एग्जामिनर के ऊपर अलग इंप्रेशन पड़ता है आपका इट इट शोज की आप हाँ आप सच में पढ़ के आए हो तो लर्न बाय हार्ट ऑल द डेफिनेशन दैट कम्स योर वे वेल यू स्टडी एंड उस चैप्टर उस से या उस टॉपिक से रिलेटेड जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आप उस डेफिनेशन को जरूर जरूर हमेशा कोट करो

क्वेश्चन पढ़ने के बाद डोंट इमीडिएटली जंप टू द आंसर आपने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा गिव टू मिनट्स टू योर सेल्फ ठीक है आप ये सोचो कि यही क्वेश्चन कल जाके अगर एग्जाम में आ रहा है फाइनल एग्जाम में कल यही क्वेश्चन आने वाला है ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है तो वॉट पॉइंट राइट इन द आंसर इस आंसर में मैं क्या पॉइंट्स लिखने वाला हूँ या लिखने वाले हूँ आप अपने फिंगर टिप्स पॉइंट आउट करो कि ये ये चीजें मुझे याद है हाँ दिस इज द पॉइंट दिस इज द पॉइंट दैट दैट आई 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 रिमेंबर एम रिमेमर टू राइट इन द एग्जाम्स ठीक है आपने खुद सोच लिया फिंगर पॉइंट पे टिप कर लिया देन यू रीड द आंसर जब आप आंसर रीड कर देट से दो से फिर से अच्छे से पढ़ो योर रिटेंशन विल बी हंड्रेड परसेंट वेरी वेरी लॉन्डर ठीक है तो एवरी क्वेश्चन ये सिर्फ एक क्वेश्चन के साथ नहीं सारे जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो ऑडिट में जस्ट रीड द क्वेश्चन गिव योर से जस्ट एक चीज सोचो की ये क्वेश्चन कल एग्जाम में आएगा तो आई एम राइट इन दिस

Uh, कोई क्वेश्चन आया है ऑन लेट से फ्रॉड कोई फ्रॉड पे कोई क्वेश्चन आया है. तो उस पर्टिकुलर टॉपिक उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड आप जितनी चीजें uh, जिस भी चैप्टर से याद करके ला सकते हो एवरीथिंग यू हैव टू कोट इन दैट आंसर लेट से फ्रॉड से रिलेटेड आपको एक ऐसे है ऐसे टू फोर्टी आपको ऐसे टू फोर्टी उसमें कोट करना है कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है जो फ्रॉड से रिलेटेड है आपको वो भी उसमें कोट करना है एक uh, uh, कारो में एक पॉइंट है जो फ्रॉड से रिलेटेड है वो भी आपको कोट करना है लेट्स लेट से अगर ट्रेक्स ऑडिट में भी कोई ऑडिट रिपोर्ट में कोई पॉइंट अगर होगा फ्रॉड का तो आपको वो भी कोट करना है वॉट आई मीन टू से जरूरी नहीं है कि किस, कुछ एक फ्रॉड के लिए क्वेश्चन पूछा है तो आपको सिर्फ ए सी टू फोर्टी ही कोट करना है सिर्फ कारो का ही कोट करना है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप जितनी चीजें याद कर सकते हो जितनी चीजें आप रिकॉल uh, कर सकते हो वो सारी की सारी चीजें कनेक्ट करके आपको उसमें आंसर में मेंशन करनी है और आंसर ऑफ ऑडिट इज नेवर अबाउट अ सिंगल पॉइंट

तो फॉर देम हमने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस की कि आपको सिंगल ग्रुप से स्टार्ट करना या दो ग्रुप से दैट इज एंटायरली योर डिसीजन इफ यू वांट अ सजेशन डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्लासेस uh, कैसी हुई है और अभी तक जो टाइम बचा है और आपकी स्पीड कितनी आई कैन सजेस्ट यू रिगार्डिंग दैट

कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए एंड वर्क ऑन दैट सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली वीकर सब्जेक्ट स्ट्रॉगर सब्जेक्ट कौन से पहले से करके रखो दिस इज बेसिकली प्री प्रिपरेशन मुझे एक क्वेरी आई है इसमें चैट में कि कैन वी गेट इन ट्रायल आई मीन फॉर चैप्टर और पर्टिकुलर यूनिट दिस इज फॉर फ्रॉम ममता ओके सो ममता ट्रायल टेस्ट अवेलेबल है यू कैन विजिट द वेबसाइट फर्स्ट ओपिनियन डॉट इन ट्रायल का ऑप्शन उसमें रहता है ट्रायल में ये होता है कि आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको सब्जेक्ट चाहिए फॉर एग्जांपल आपने डीटी सिलेक्ट किया

रोनक yes, है अगर I'll I'll we'll okay. yes, dates dates आप टेस्टरीज ज्वाइन कर रहे हो तो बेसिकलीस इज एन अनशेड्यूल्ड टेस्ट फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज बेसिकली इज एन अनशेड्यूल्ड टेस्ट मैंने उसमें कोई फिक्स डेट पहले से नहीं रखी है रीजन बींग कि मैंने डेट सी फर्स्ट से टेस्ट शेड्यूल कर दी तो जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग एट द सेम पेस ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग फॉर सिंगल ग्रुप और ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग फॉर बोथ ग्रुप ठीक है तो जरूरी नहीं है अगर मैंने एक तारीख को एफ की टेस्ट रखी है तो उस दिन एवरी वन ऑफ यू इज प्रिपेयर फॉर एफ और बिना प्रिपरेशन के टेस्ट देने का कोई सेंस नहीं है दैट इज वाई इट इज केप्टन शेड्यूल बट ये टेस्ट डेट्स आपको अपने लिए होना बहुत जरूरी है सो दैट यू कैन स्टिक इट और आप सारी टेस्ट लिख पाओ आपको खुद के लिए स्टडी प्लान और टेस्ट शेड्यूल होना जरूरी है ठीक है आई डोंट हैव अ कॉमन और स्टैंडर्ड टेस्ट शेड्यूल पर आपको खुद के लिए टेस्ट शेड्यूल होना बहुत जरूरी है सो फॉर देट यू कैन प्रिपेर इट योर सेल्फ योर टेस्ट शेड्यूल और इफ़ यू वॉन्ट आई विलटेन यू एंड आई प्रिपेर अ टेस्ट शेड्यूल सेपरेटली फॉर योर सेल्फ मैं एक जनरल टेस्ट शेड्यूल नहीं बनाऊंगी बट हुआ स्टूडेंट वॉन्ट्स मी टू डिसाइड टू डिटरमाइन और टू टू मेक अ टेस्ट शेड्यूल फॉर देम सेल्फ आई श्यूरली डू इट यू कैन कॉन्टेक्ट टू मी पर्सनली वंस यू जॉइन यूर कॉन्टेक्ट टू मी स इन डिटेल विद यू की आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है कौन सा स्ट्रॉगर है और आपको किस तरीके से डिपेंडिंग ऑन योर सकम चांसेस कितनी अभी तक पढ़ाई हुई है कितनी पढ़ाई बाकी है और कितना टाइम आपके पास बचा है कस्टमाइजल फॉर यू फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज रिव्यूज से रिलेटेड किसी ने क्वेश्चन किया है यू कैन विजिट फर्स्ट ओपिनियन डॉट इन आपको वेबसाइट के अंदर रिव्यू जो पोस्ट किए हुए मिल जाएंगे इफ नॉट यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट टू अस पर्सनली स्टूडेंट रिव्यूज कैन शेयर टू यू इसमें कोई भी प्रॉब्लम या इश्यू नहीं है यू कैन ऑल्सो टेक अ ट्रायल टेस्ट फर्स्ट अगर आपको टेस्ट करना है तो प्रोफेशनल संसार करके टेलीग्राम पे चैनल है इफ यू हैव नॉट जॉइन टू यू कैन श्यूरली जॉइनेड उसमें यू गेट द अपडेट्स अबिनियन टेस्ट सीरीज की आपको सारी अपडेट्स वहां से बहुत रेगुलरली और इजिल मिल पाएंगे नॉट ओनली फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज उसमें आपको स्टडी प्लान मतलब दूसरे टाइप के हर सब्जेक्ट से रिलेटेड अपडेट्स

टेस्ट uh, शेड्यूल जो है ऑब्बियसली मतलब हंड्रेड परसेंट रिजिड नहीं रहता इट इज अ बिट फ्लेक्सिबल इसीलिए उसको हर स्टूडेंट के लिए कस्टमाइज किया जाता है बिकॉज स्टैंडर्ड शेड्यूल हर किसी के लिए सही नहीं होता तो चेंज हो सकता है यस yes. चेंज uh, हो सकता है टेस्ट शेड्यूल यू कैन डिस्कस विथ मी बट देन सी की जैसे मैंने जो लेट्स लट्स अभी मैं आपको शेड्यूल बना के दूंगी तो इट विल बी अकॉर्डिंग ऐसा कुछ होगा कि लेट से कि आपके तीन महीने में होगा सितंबर अक्टूबर में तीन रिवीजन या लेटे से दो रिवीजन अगर आपका सिंगल बोर्ड ग्रुप्स है तो उतने पूरे हो जाए तो इफ यू शिफ्ट ऑन योर टेस्ट डेट्स आप टेस्ट डेट्स को अगर आगे करते जाओगे तो लास्ट में आपके पास उतने टाइम कम होता जाएगा तो यू हैव टू कीप दैट स्पेस विद यू की आप थोड़ा अगर यहाँ टेस्ट डेट्स आगे बढ़ाते हो तो लास्ट के शेड्यूल में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कट शॉर्ट करना होगा एंड येस इट इज फ्लेक्सिबल थोड़ा एडजस्ट करके आई कैन हेल्प यू आउट आपको कब अगर आपने ये डेट मिस कर दिए तो नेक्स्ट आपको कब अपियर करना है

यूनिट टेस्ट 50 मार्क्स का होता है एंड उसमें ऑल कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते एंड जिन सब्जेक्ट में एमसीक्यूज है उनके टेस्ट पेपर्स में ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का एमसीक्यूज भी होता है यूनिट टेस्ट में आई थिंक आई एम डन विद ऑल द क्वेरीज किसने डी टी आई डी टी के लिए पूछा था या ओके आईडी टी तो डीटीआईडीटी जो है दैट इज एक्चुअली फिफ्टी परसेंट थियेटिकल और फिफ्टी परसेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आई वुड कॉल इट बट डीटी आई डी टी में इफ आई कंपेयर तो आईडी टी इज एक्चुअली स्कोरिंग एंड इजी सब्जेक्ट कम्पेरेटिवली टी डी जो है बहुत ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट है डीटी को आपको काफी डिवाइड करके और काफी अलग अलग स्लॉट्स के पढ़ना पड़ेगा कमिंग टू आईडी टी तो आई डी टी में आपका जीएसटी और कस्टम्स दो पार्ट होते हैं तो आईडीटी में स्कोर करने के लिए काफी आपके लिए ईजी होता है आई विल जस्ट सजेस्ट यू की अगर आपको आईडी टी डिफिकल्ट लगता है तो फर्स्ट स्टार्ट विद कस्टम्स 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 को स्टार्ट करो Customs छोटा है कस्टम्स को थर्टी फोर्टी मार्क्स के लिए आता है उसको हंड्रेड परसेंट अच्छे से पढ़ लो ठीक है कस्टम्स इजी भी है कस्टम्स अगर आपने पढ़ लिया तो वन थर्ड ऑफ योर आइडेंटी इज डन देन कम्स जीएसटी अब जीएसटी को आई डिवाइड इन टू पार्ट जो मेन जो ईजी जो मेन चैप्टर्स होते हैं लाइक प्लेस ऑफ स्टडी टाइम सॉरी प्लेस ऑफ सप्लाई टाइम ऑफ सप्लाई वैल्यूएशन चार्जेबिलिटी वो वाले जो चैप्टर्स होते हैं तो, तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं सेकेंडली रजिस्ट्रेशन अकाउंट्स ऑडिट और जो असेसमेंट्स वाले वो थोड़ा सेकेंडरी uh, चैप्टर्स होते हैं तो जीएसटी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लो ठीक है यूनिट वन मतलब जो इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन वाली चीज है उसको आप पहले स्टडी करो एंड आप आपको अगर आइडेंटि डिफिकल्ट लगता है तो एक यूनिट एट अ टाइम अपियर करो एंड देन चेंज द सब्जेक्ट आई सजेस्ट जो भी लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के सोच रहे हैं अगर आपको कोई सब्जेक्ट लगता है कि डिफिकल्ट है लेट्स से IDT अगर आपके लिए डिफिकल्ट है तो आपने कस्टम्स प्रिपेयर किया सबसे पहले कस्टम्स प्रिपेयर कर लो कस्टम्स अपेयर कर लो अगर कस्टम्स आपका अच्छे से प्रिपेयर हो गया एंड लेट्स से कि आपको थोड़ा क्वाइट गुड कॉन्फिडेंस अगर उसमें आ गया कस्टम्स में तो वन थर्ड आपका पोर्शन वैसे ही हो गया ठीक है उसके बाद यू टेकअप जीएसटी जीएसटी में यूनिट वन पढ़ लो अब जैसे यूनिट का आपने एक बार स्टडी कर लिया एंड यू अपियर फॉर द टेस्ट तो आप आईडीटी को थोड़ा ब्रेक दे दो थोड़ा दूसरा सब्जेक्ट ले लो जो आपको इजी लगता है उस इजी सब्जेक्ट को ले लो उसकी टेस्ट अपियर कर लो दो तीन जितनी करना है देन अगेन टेकअप टू यूनिट टू यूनिट टू पढ़ लो उसको फिर अपियर कर लो तो आपको आपको आईडीटी का एक साथ पूरा बर्डन नहीं लगेगा कोई भी सब्जेक्ट जो आपके लिए डिफिकल्ट है उसके लिए पैसा कर सकते हो यूनिट वन अपीयर कर लो यूनिट वन पढ़ लिया आपने चार पांच दिन अच्छे से पढ़ लो और एट अ टाइम आपके माइंड में स्ट्रेस कम रहेगा अगर आपको सिर्फ एक ही यूनिट पढ़ना है तो आपके माइंड में हमेशा स्ट्रेस कम रहेगी हाँ अभी तो सिर्फ इतना ही पढ़ना है ठीक है hmm. उसके बाद कमिंग टू डी टी तो डी टी इज वेरी वास्ट और डी में आपको काफी ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है तो डीटी के लिए अगर आप न्यू सिलेबस में हो तो आई सजेस्ट आप आप, डी दो सब्जेक्ट में एक साथ पढ़ो दैट इज जनरल सजेशन मेरा में दो सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए तो वेन सिलेबस में हो तो डी टी के साथ यू शुड क्लब योर इलेक्टिव सब्जेक्ट इलेक्टिव ऐसा है कि छोटा सब्जेक्ट होता है एंड काफी इजी uh, सब्जेक्ट भी होता है वॉट एव इलेक्टिव यू टेक तो इलेक्टिव कम टाइम लेता है एंड साथ में डीटी हैवी है टाइम ज्यादा लगता है तो दैट कैन बैलेंस ईच अदर ठीक है और डीटी में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है इफ पॉसिबल क्या होता है आ, जो मैं जनरली सजेस्ट करती मैंने जिससे पढ़ा था एट टाइम आई टू स्टडी बीजी सर सर विनोद गुप्ता की बुक से मैंने पढ़ा था तो उनकी छह या सात मेन मॉड्यूल होती है और एक समरी बुक होती है तो कोई सात बुक की समरी एक बुक में होती है और आप भी जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो हर किसी की एक समरी बुक तो डीटी की आती है तो क्या होता है जब आप पढ़ने बैठते हो ना टेक अप योर मेन बुक जब आप मेन मतलब फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो सेकंड टाइम रीड कर रहे हो टेक अप योर मेन बुक अब मेन बुक मैंने उठाई उसमें लेट्स से कि मैं कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ रही तो आप पढ़ते जाओ साथ साथ में आप अपनी समरी बुक भी रखो साथ में अपने साथ साथ में समरी में हाईलाइट करते जाओ ठीक है और इसमें कोई एक्जाम्पल है जो लेट्स से समरी में नहीं है तो उसको समरी में वहीं की मैं नोट करते जाओ कोई सेक्शन का या कोई चीज का आपको रेफरेंस देना है मेन बुक से उसको समरी के मैं वहीं पे पेज नंबर लिख दो कि दूंगा मेन बुक का ये वाला पेज नंबर रेफर करना है ये पढ़ते टाइम मीन्स पढ़ो मेन बुक से बट समरी साथ में लेके पढ़ो समरी बुक एंड मेक योर मार्किंग्स इन समरी बुक एज वेल well. क्यों उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे या नेक्स्ट टाइम जब भी डीटी पढ़ोगे ना तो आपको सिर्फ समरी बुक उठानी है मेन बुक नहीं उठानी है गेटिंग माय पॉइंट फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आपको, आपको मेन बुक से ही पढ़ना है बट आपकी रिविजन के टाइम पे और जो एग्जाम के एक दिन पहले वाले टाइम पे सिर्फ समरी बुक से ही पढ़ना इसलिए इट इज इंपोर्टेंट की डी आप मेन बुक से पूरा पढ़ो बट मार्किंग साथ साथ में समरी बुक में करते जाओ एंड फर्स्ट टाइम आप जब भी पढ़ रहे हो मेक श्योर की आप क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस करो स्पेशली पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन जिसके बड़े क्वेश्चन होते हैं फोर्टीन मार्क्स क्वेश्चन सिक्सटीन मार्क्स क्वेश्चन के आते हैं उसके थर्ली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो अच्छे से करो मैम आई ऑल्सो वीजी सर इट रिक्वायर्ड टू गो थ्रू अदर बुक्स लाइक दुर्गेश बिल्कुल भी नहीं अब कोई एक सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये चीज है आप कोई एक सोर्स को उठा लो टीटी के लिए अगर आपने वीजी सर की बुक्स सचाई दैट इज मोर देन सफिशिएंट वीजी सर की बुक्स तो सबसे ज्यादा डिटेल्ड है इनकेस ऑफ डीटी टी आपको कोई जरूरत नहीं किसी और फैकल्टी की बुक उठाने के लिए एंड जस्ट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑडिट के लिए आपने कोई और एक बुक उठाई लेट्स से तो पंकज घर

Uh, अभी तक हमारे यूनिट टेस्ट सारे के सारे रेडी हैं तो वन सू सब्सक्राइब तो अभी आपको यूनिट टेस्ट सारे आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल हो जाएंगे इमिडिएटली वन सब्सक्राइब ठीक है आपको यूनिट टेस्ट आ, अपियर करना है तो आप कोई भी यूनिट टेस्ट अभी अपियर कर सकते हो फुल टेस्ट जो है हमारा ऑलमोस्ट ऑगस्ट सेकेंड वीक में रिलीज हो जाएगा तो वंस डेट इज रिलीज तो आपके डैशबोर्ड पे वो अपने आप अपलोड कर दिया जाएगा एंड फुल टेस्ट का फर्स्ट राउंड सेकेंड वीक में फुल टेस्ट का सेकेंड राउंड लेट्स से कि ऑगस्ट के थर्ड वीक में तो यूनिट टेस्ट अवेलेबल राइट नाउ होगस्ट मिड तक फुल के भी सारे पेपर आ जाएंगे और वो अपलोड हो जाएंगे लेट्स आपको कभी कोई फुल का पेपर अपियर करना है या कोई पेपर आपको अपियर करना है जो आपके डैशबोर्ड पे आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली कॉन्टेक्ट मी वो पेपर अगर नहीं भी रेडी हुआ है एंड यू रियली टू अपियर दैट तो आई जस्ट मेक इट रेडी ऑन प्रायोरिटी बेसिस अगर आपने आज बता दिया मुझे तो टू थ्री डेज में आई मेक श्योर की वो पेपर रेडी हो जाए मोस्टली ऑगस्ट मिड तक सारे के सारे फुल के पेपर भी रेडी हो जाएंगे मैम बो ग्रुप्स के लिए कितना डिस्काउंट रहेगा प्राइजिंग इन यून प्राइजिंग के लिए यू कैन विजिट द वेबसाइट फर्स्ट ओपिनियन डॉट इन सारे जितने भी जो भी टेस्ट आपकी जितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेस्ट के सारे प्राइसिंग्स हैं नोल एवरीथिंग इज़ देयर ऑन द वेबसाइट यू कैन जस्ट विजिट दैट वेच चैप्टर्स इम्पोर्टेन्ट ऑन डीटी ओल्ड कोर्स डीटी इट्सेल्फ इज़ इम्पोर्टेन्ट फॉर मोर फरदर डिस्कशन ऑन डीटी एंड आईडीटी

या ऑडिट पढ़ रहे हो लेट्स अगर कारो पढ़ रहे हो दो तीन फ्रेंड्स मिलकर अगर आप पढ़ रहे हो आप तीनों कारो पढ़ लो गिव हाफ अवर ईच वन आधे घंटे में हम लोग कारो पढ़ लेंगे स्टडी सेपरेटली अलग अलग पढ़ाई करो तीनों लेकिन एक ही टाइम पे कारो पढ़ लो आधे घंटे में तीनों ने कारो पढ़ लिया कनेक्ट ऑन द फोन कॉल तीनों एक दूसरे को क्रॉस क्वेश्चंस करो और या तो अः कोई एक लेट्स ए बी सी तो ए बी को ए बी और सी दोनों को पूरा के पूरा कंसेप्ट समझाएगा सी अगेन इफ इज मिसिंग तो सी कुछ बताएगा बी कुछ बताएगा टीच आपस में एक दूसरे को टीच करो उससे रिटेंशन 100% बहुत ज्यादा रहेगा ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट ऑप्शन आपको रिटेंशन की अगर प्रॉब्लम है तो ग्रुप स्टडी इज द बेस्ट ऑप्शन आपने कोई कोई टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया है पढ़ने के बाद अगर आप सामने वाले को समझाओगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कितना समझाता और कितना नहीं समझाता इंटरनेशनल डेस्क का क्या वेटेज रहेगा ओल्ड कोर्स फॉर ट्वेंटी ओल्ड कोर्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन बहुत ज्यादा कवर नहीं करता है हार्डली 10 15 मार्क्स आया तो वो होता है कांटेक्ट नंबर आप ये प्रेजेंटेशन में नीचे लिखा हुआ है यू कैन नोट इट डाउन इट इज ओनली फॉर व्हाट्सएप प्लीज नोट इट डाउन इफ यू वांट 9518353043 आई रिपीट 9518353043 आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हो कभी

मैम आई डोंव व्हाट्सएप प्लीज टिल्हाट्सएप नहीं है तो यू कैन सेंड मी एस एम एस एस एम एस सेंड कर दो इसी नंबर पर ओके आई गेस इट इज डन सो प्लीज रिप्लाई मी इन चैट कि वॉज दिस सेमिनार फ्रूटफुल फॉर यू इससे कुछ आपको गेनिंग हुई Yeah, uh, uh, मैंने आपको कुछ नंबर दिए हैं जो नंबर मेरा आपको दिया है व्हाट्सएप पे यू कैन पिंग मी अगर आपको किसी और डिस्कशन um, के लिए इफ़ यू वांट टू हैव सच सेमिनार एंड वेबिनार यू कैन पिंग मी ऑलवेज वाज हेल्पफुल हाउ टू अप्रोच केस लो इन डीटी प्लीज कांटेक्ट मी पर्सनली रिप्लाई आफ्टर यू ओके ओके चलो इट्स गुड टू सी मैम अपलोड द रिकॉर्डिंग ऑल्सो फ्यू मिनटिकट ओके आई कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप और इफ़ यू मेंबर ऑफ टेलीग्राम चैनल ठीक है चलो ये प्लीज अपलोड द रिक्लाई इन चैट एम सॉरी मैं चैट पर रिप्लाई नहीं कर रही हूँ okay i think this is done so it was really good i i i too enjoyed it along with you and now with this i sign off okay thank you very much bye bye we'll see you again soon bye bye